हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्क्वायर। फ्रेंड्स, दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश की स्टोरीज़ और पोएम्स का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज की स्टोरी का नाम है द पीनेंस ऑफ कौशिका। द पीनेंस ऑफ कौशिका स्टोरी में हम लोग को धर्म का ट्रू मीनिंग पता चलेगा। असली में धर्म होता क्या है, आखिरकार धर्म कहते किसे हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस द सेज मार्कंडे केम टू सी द पांडवास। एक बार मार्कंडे ऋषि आए थे पांडवास को देखने, मतलब मिलने उनसे, हालचाल पूछने। युधिष्ठिर हैपेंड टू टॉक द वर्च्यूज ऑफ अ वुमेन एंड सेड व्हाट ग्रेटर वंडर इज देयर इन द वर्ल्ड देन द पेशेंस एंड चैरिटी ऑफ अ वुमेन। वो कह रहे थे कि इस दुनिया में मॉरल वैल्यूज तो बहुत सारी हैं। मॉरल वैल्यूज के बारे में बात भी कर रहे थे वो, उससे में ही वुमेन्स की चरित्र की बात छिड़ गई। वॉट ग्रेटर वंडर, इस संसार में क्या अजूबा है। वुमेन, इस वुमेन के पेशेंस, धैर्य से बढ़कर। सी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड आफ्टर चेराइजिंग इट इन हर वॉम डियरर देन लाइफ इटसेल्फ। सी ब्रिंग्स इट इन टू द वर्ल्ड इन पेन एंड एंग्जाइटी एंड देंस फॉरवर्ड हर वन थॉट इज फॉर इट्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वो कहते हैं एक माता अपने बच्चे को जन्म लेती है बड़े कष्ट के साथ, उसके बाद उसी की जिंदगी के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे रहने के दुआएं मांगती है। लार्ज हंटेड एंड फॉरगिविंग अ वुमेन फॉरगिव्स एंड कंटिन्यूज टू लव इवन अ विक्ट हस्बैंड हु नेग्लेक्ट्स एंड हेट एंड सब्जेक्ट्स हर ऑल शॉर्ट्स ऑफ माइजरीज हाउ स्ट्रेंज। और उस पति को भी प्यार करने लगती है जो कि बहुत विक्ट होता है, यानी दुष्ट होता है, और उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। हियरिंग दिस मार्कंडे टोल्ड हिम अ सेक्रेट स्टोरी। यही बात सुनकर मार्कंडे ने कहानी सुनाई। देयर वॉज वंस अ ब्राह्मणा नेम कौशिक हु ऑब्जर्व द वो ऑफ ब्रह्मचार्य विद ग्रेट स्टीपनेस एंड डिवोशन। तो ये कहते हैं एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौशिक, जिसने ब्रह्मचार्य का धर्म अपना लिया था। ब्रह्मचार्य वो होता है जो पूरी दुनिया को त्याग कर सिर्फ एक ध्यान लगाता है, डिवोशन करता है और एजुकेशन करता है विद ग्रेट स्टीडफास्टनेस, मतलब दृढ़ता के साथ, डिवोशन भक्ति के साथ। वन डे ही सेट अंडर अ ट्री रिसाइटिंग द वेदास। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था और वेदों को पढ़ रहा था, वेदों के पद को पढ़ रहा था। अ क्रेन पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री डिफाइल्ड हिज हेड विद ड्रॉपिंग्स। एक क्रेन आई, उसका डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध करना, उसका सर जो है ना, जैसे चिड़ियों की आदत होती है ड्रॉपिंग्स सर गिराने की, अपना वेस्ट मटेरियल, तो उसके सर पे गिरा दी अपनी ड्रॉपिंग्स। ही लुक्ड अप एट इट एंड हिज एंग्री लुक किल्ड द बर्ड एंड इट फेल डाउन डेड। उसके इस दुख से, मतलब एंग्री लुक से देखने से ही, मतलब इतना गुस्सा आ गया था उसको। जाहिर सी बात है, हम लोग को भी गुस्सा आता है जब चिड़िया अपनी किसी ऑब्जेक्ट पे अपने ऊपर ही अपनी ड्रॉपिंग्स गिराती हैं। तो उसने, उसके पास इतनी शक्ति थी, वो सिद्ध एक पुरुष था, एक मतलब ब्राह्मणा था, तो उसके देखने से ही, खाली देखने भर से ही वो चिड़िया मर गई। इसके बाद जो ब्राह्मणा था ना, उसे बहुत ही दुख हुआ उस लाचार चिड़िया को देखकर कि मुझे इतना गुस्सा तुमने क्यों दिलवाया कि तुम्हारी जान चली गई। हाउ फ्राइटफुल इट वुड बी इफ विशेस फुलफिल्ड देमसेल्फ ईच हैस्टी और एंग्री विश टुक एफेक्ट एट वंस हाउ मच देयर वुड बी टू रिग्रेट और रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। वो कहते हैं फिर कितना फ्राइटफुल होगा विशेस फुलफिल्ड देमसेल्फ, अपने आप अगर विशेस पूरी हो जाएं, इफ ईच हैड उतावला और दुख से लिया गया हुआ निर्णय अपने आप में ही पूरा हो जाए, हम लोग को बाद में कितना खेद और पछताना पड़ेगा। हाउ मच देयर वुड बी टू रिगर्ट और रिपेंट आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है कि हम लोग को बाद में कितना खेद और पछताना पड़ेगा। इट इज़ लक्की फॉर अस दैट विशेज डिपेंड ऑन आउटवर्ड्स सर्कमस्टेंसेस फॉर अकम्पलिशमेंट सिंस दैट सेव्स अस फ्रॉम मच सिन एंड सॉरो। वो कहते हैं कि ये कितना बढ़िया होता है, यानी हम लोग बहुत लक्की हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारी जो विशेज होती हैं ना, वो डिपेंड होती हैं किन पे, परिस्थितियों पे डिपेंड होती हैं। अकम्पलिशमेंट मतलब उपलब्धि, जिस पार्टिकुलर चीज़ की उपलब्धि होगी उसी की हम लोग की इच्छा पूरी हो पाएगी, मतलब हम लोग की परिस्थितियों के ऊपर हम लोग की इच्छाएँ निर्भर करती हैं। यही हमको बहुत सारे सिन पापों और सौर दुख से बताता है, जैसे कि कौशिक को अब दुख हो रहा है जब उसने चिड़िया को मार दिया, यानी एक क्रेन को मार दिया। कौशिक सौरोड दैट द evil thought that passed in his mind in a moment of anger had killed an innocent bird. कौशिक कहता है, या फिर कौशिक इसलिए बात से दुखी है, यह कह तो रहे हैं यहाँ पर कोई और, कौशिक या ऑथर कह रहा है, कौशिक कहता है कि वो, उसे बहुत दुख हुआ जब उसके माइंड में एक मोमेंट ऑफ एंगर, एक एंगर का दुख का थॉट ही क्या पास हुआ, बुरा विचार ही क्या पास हुआ, उतने में ही एक नादान चिड़िया मर गई।
सम टाइम लेटर ही वेंट एज यूजुअल टू बैग आर्म्स। आर्म्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, फूड और मनी दैट इज़ यूजली गिवन टू द नीडी, मतलब जो धन राशि या फिर कोई खाना की चीज़ जो कि दी जाती है कोई नीडी पर्सन को। तो इसके कुछ देर बाद खेत करने के बाद अब वो कुछ कर तो सकता नहीं है, वापस चिड़िया को जिंदा तो कर नहीं सकता, तो वो अब बैग आर्म्स आर्म्स मांगने चला गया। ही स्टूड बिफोर द डोर ऑफ अ हाउस टू रिसीव हिज डोल। डोल मतलब क्या होता है, शेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का शेयर, कोई भी चीज़ का टुकड़ा या हिस्सा किसी से मांगना। द हाउस वाइफ वॉज क्लीनिंग यूटेंसिल्स, जिस घर में गया था उस घर की हाउस वाइफ जो थी ना वॉज क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धुल रही थी। कौशिक वेटेड इन द होप दैट शी वुड अटेंड टू हिम आफ्टर हर वर्क वॉज ओवर। कौशिक इस इंतजार में खड़ा रहा कि वो जो हाउस वाइफ है ना वो उसको कुछ दे देगी आकर जब उसका काम खत्म हो जाएगा, वो इंतजार करता रहा। इन द मीन टाइम द मास्टर ऑफ द हाउस रिटर्न टायर्ड एंड हंग्री एंड द वाइफ हैड टू अटेंड टू हिज वॉन्ट्स, वॉश एंड ड्राई हिज फीट एंड सर्व विद हिम विद फूड। उसी समय मीन टाइम में ही मास्टर आ गया, उसके मतलब पति आ गया जो हाउस वाइफ थी, वो बहुत थका हुआ था और भूखा भी था और उसकी वाइफ को उसको अटेंड करना पड़ेगा। ये पहले जाने में ऐसा होता था ना, जो पत्नियाँ होती थी अपने पति के पैर धुलती थी आते थे और कई सारे उनको फिट करती थी, उनको खाना वाना देती थी और आराम से जब वो सारी फिट कर चुकी होती थी अपने हस्बैंड्स को तब वो चैन की सांस लेती थी। इन दिस प्री ऑक्यूपेशन विद हाउस होल्ड कोर्स, मतलब इन घर के काम काजों में सी सीम टू हैव फॉरगॉटन द मेंडिंग एंड वेटिंग आउटसाइड, वो ये भूल गई कि बाहर कोई नीडी पर्सन या भिखारी, मेंडिंग एंड को हम बेगर भी कहते हैं, वो बाहर इंतजार कर रहा है। आफ्टर हर हस्बैंड हैड बीन केयर्ड फॉर एंड फेड शी केम आउट विद आर्म्स टू द मेंडिंग एंड, जब उसने अपने पति को सब खाना वाना खिला दिया तब वो बाहर आई आर्म्स लेके मेंडिकेंट के लिए। सी सेड आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग अलॉन्ग, पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय तक वेट करवाया। कौशिक बर्निंग विद एंगर सेड लेडी यू हैव मेड मी वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दिस इंडिफरेंस इज नॉट फेयर। कौशिक कहता है तुमने मुझे इतनी देर के लिए वेट कराया, ये जो इनडिफरेंस है ना तुमने अपने पति और मेरे लिए जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना वो अच्छा नहीं है। द वुमेन टोल्ड द ब्राह्मणा बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा काइंडली डू फॉरगिव मी आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड हैज द डिले, उसने कहा कि ब्राह्मण के ब्राह्मणा मुझे माफ़ कर दीजिए, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर रही थी इसीलिए मुझे डिले हो गया, लेट हो गया। द ब्राह्मणा रिमार्क इट इज़ राइट एंड प्रॉपर टू अटेंड द हस्बैंड बट द ब्राह्मणा ऑल्सो शुड नॉट बी डिस्क्रेस्टेड, मतलब क्या डिसरिगार्डेड, दिस ब्राह्मणा कहता है कि इट इज़ राइट, ये सही है एंड प्रॉपर टू अटेंड ऑन द हस्बैंड, अपने पति पे अटेंड करना ये सही बात है, पर जो ब्राह्मण है उसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यू सीम टू बी एन एरोगेंट वुमैन, तुम एक एरोगेंट वुमैन दिखती हो। एरोगेंट से मतलब होता है कि जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है बिना किसी कारण के। उसके बाद शी सेड बी नॉट एंग्री विथ मी एंड रिमेंबर दैट आई केप यू वेटिंग ओनली बिकॉज आई वॉज ड्यूटीफुली सर्विंग माई हस्बैंड। फिर वो अपनी ऊंची वाड़ी में कहती है बी नॉट एंग्री, तुम दुखी मत हो विद मी, मुझसे दुखी मत हो, एंड रिमेंबर दैट आई केप यू वेटिंग ओनली बिकॉज आई वॉज ड्यूटीफुली सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अब कर्तव्य पूर्ण से अपने पति को सर्व कर रही थी। आई एम नो क्रेन, मैं कोई क्रेन नहीं हूँ जिसको तुम मार दोगे अपने वायलेंट विचारों से, वायलेंट और नॉन वायलेंस तो हम लोग जानते ही हैं। And your rage, तुम्हारा क्रोध can do no harm to the woman who devotes herself to service of her husband, और तुम मुझे कोई harm भी नहीं पहुँचा सकते। क्यों नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पे डटी हुई थी और मैं अपना काम ही कर रही थी, कोई और काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से मुझे दुख हो या फिर इस बात का दुख हो। मैं तुमसे पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, उसकी बात सही थी, पर ब्राह्मणा इस बात से शॉक था कि उसे कैसे पता चला क्रेन का इंसिडेंट, जो घटना हुई है क्रेन वाली, ये नेक्स्ट लाइन का यही मतलब है। सी कंटिन्यूड ओ ग्रेट वन यू डू नॉट नो द सीक्रेट ऑफ ड्यूटी, उसने कहा ओ ग्रेट वन यू डू नॉट सीक्रेट ऑफ ड्यूटी, मतलब आप ड्यूटी का असल मतलब नहीं जानते हैं। एंड यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर दैट एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनमी दैट डल्स इन अ मैन, मतलब जो क्रोध है बहुत बड़ा एनमी है जो कि इंसान में बसता है। फॉरगिव द डिले इन अटेंडिंग टू यू, मुझे माफ़ कर दो जो डिले हुआ है तुम्हारे पास अटेंड करने के लिए, मतलब जो तुम्हें भिक्षा देने के लिए मुझे देर हुई है। गो टू मिथिला एंड बी इंस्ट्रक्टेड इन द सीक्रेट ऑफ गुड लाइफ बाई धर्म वेदा लिविंग इन दैट सिटी, फिर वो जो औरत होती है वो कहती है मिथिला जाओ और वहाँ पर सीक्रेट ऑफ गॉड लाइफ बाय धर्मवेदा लिविंग इन दैट सिटी, उससे सिटी में एक धर्मवेदा रहता है, उससे सीक्रेट ऑफ गुड लाइफ का अच्छी जिंदगी का सीक्रेट जान लो, राज जान लो,
The Brahmana was amazed. He said, I deserve your just admonition and it will do me good. Brahmana कहता है, मैं तुम्हारा admonition, मतलब warning या फिर आप जो भी समझ लें, जो कि उसने कहा है, वो बात मानने पर मजबूर कर देती है वो स्त्री, क्योंकि उसने ड्यूटी का ट्रू मीनिंग नहीं पता था, किसे नहीं पता था, ब्रह्मणा को नहीं पता था। इट विल डू मी गुड, मे ऑल गुड अटेंड यू, और मैं हर वो अच्छी चीज़ तुमको अटेंड करे। उसके बाद ब्रह्मणा ये वर्ड कहते हैं, मिथिला जाता है, कौशिक रीच्ड मिथिला एंड लुक्ड फ्रॉम धर्मवेदास रेजिडेंस, धर्मवेदा के घर को ढूंढता है, यानी प्लेस को ढूंढता है, विच ही थॉट वुड बी इन सम लोनली हर्मिटेज फॉर फ्रॉम द नॉइज एंड बशल ऑफ द कॉमन लाइफ। हलचल और नॉइज से दूर एक धर्मवेदा का घर होगा, ऐसा लगता है ब्रह्मणा को। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही वॉक्ड अलॉन्ग द मैग्निफिशेंट रोड, वो शानदार रोड्स के रास्तों से, बिटवीन ब्यूटीफुल हाउसेज, सुंदर घरों और एंड गार्डन्स इन दैट ग्रेट सिटी, एंड फाइनली रीच द बुचर शॉप। वो रोड से वॉक करते हुए गार्डन्स के थ्रू एक सिटी में पहुंचा, ग्रेट सिटी में पहुंच गया फाइनली, और वो एक बचर के शॉप में बचा। बचर मतलब क्या होता है, कसाई। इन विच वॉज अ मैन सेलिंग मीट, इसमें कि एक मांस बेच रहा था एक आदमी। हिज अमेजमेंट वॉज ग्रेट वेन ही लर्न दैट मीट लर्न दैट दिस मैन वॉज धर्मवेदा, वो चौंक गया कि ये मैन धर्मवेदा है। द ब्रह्मणा वॉज शॉक्ड बियॉन्ड मेजर एंड स्टूड एट डिस्टेंस इन डिस्गस्ट, वो इस बात से परे था कि ये कौन आदमी है, कितने गंदे काम कर रहे हैं ये लोग, यानी पार्टिकुलर पर्सन, डिस्गस्ट घृणा से वो दूर हट गया। द बुचर सडनली रोज फ्रॉम हिज सीट, केम टू द ब्रह्मणा एंड इंक्वायर्ड, रिवर्स सर, Are you well? Did the chastity Brahmana lady send you to me? तो वो पूछता है, बचर तुरंत अपनी सीट से उठता है और कहता है, Respected sir, क्या आप वही हैं जिसको आप पवित्र ब्राह्मणा लेडी ने, एक लेडी ने भेजा था, जैसे अभी हम लोग अपनी कहानी पढ़ रहे हैं उसमें एक लेडी ने तो भेजा है मिथिला, इस जो ब्राह्मणा है कौशिक को। तो वो पूछता है, धर्मवेदा पूछता है कि आप के उसी लेडी ने भेजा है। तो ब्रह्मवेदा वो स्टफ्ड, वो सुन पड़ जाता है ब्रह्मवेदा ये बात सुनकर, रिवर्स रिस्पेक्ट, आई नो व्हाई यू हैव कम, वो फिर कहता है, रिस्पेक्ट सर, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। कौशिक से कहता है, कौन कहता है, धर्मवेदा कहता है, लेट अस गो होम, चलिए घर चलते हैं। धर्मवेदा कौशिक को अपने घर ले जाता है, एंड ही टुक द ब्राह्मण टू हिज हाउस वेर ही सॉ हैप्पी फैमिली। फिर वहाँ पर कौशिक एक खुशहाल परिवार देखता है, एंड वॉज ग्रेटली स्ट्रक बाई द डिवोशन, और वो इस बात से उसे दुख पहुंचता है, यानी मारा ऐसा समझ लीजिए कोई उसे मार रहा हो, डिवोशन के लैक से, विद विच द बुचर सर्व हिज पेरेंट, जो अपने माता पिता को कितने अच्छी तरीके से सर्व कर रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, यानी देखभाल कर रहा है। कौशिक टुक हिज लेसन फ्रॉम दैट बचर ऑन धर्मा, मैंस कॉलिंग एंड ड्यूटी, कौशिक को यहाँ से लेसन मिलता है कि मैन जो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है वही सही धर्म का मतलब समझता है। द ब्रह्मणा रिटर्न टू हिज हाउस एंड बिगन टू लुक ऑफ हिज पेरेंट्स, अ ड्यूटी विच ही हैड रेदर नेग्लेक्टेड बिफोर। फिर ब्रह्मणा अपने घर जाता है, अपने माता पिता की देखभाल करता है और अपनी वो हर ड्यूटी निभाता है जो उसने पहले नज़रअंदाज की थी। ये महाभारत से अडॉप्ट की गई है स्टोरी सी राजा गोपालचारी के द्वारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई न्यू चैनल।